सीएम अशोक गहलोत ने माना है कि कांग्रेस के जनता से जुड़ाव में कमी आई है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मार्मिक बात कही है कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब जुड़ाव में कुछ कमी आई है, धीरे धीरे आ ही जाती है। हमें जनता से जुड़ने का मौका मिला है, हम जनता के बीच जाएं और उनके सुख दुख में भागीदार बने। राहुल गांधी की यात्रा के बाद नए प्रोग्राम दिए हैं। हमारे मंत्री और विधायकों को महीने में एक दिन कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। गहलोत कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर PCC में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस यहां तक पहुंची है, आज भी कांग्रेस अपनी नीतियों सिद्धांतों पर अड़िग है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि बीजेपी RSS के खिलाफ हमारी लड़ाई नीति सिद्धांतों की है। RSS बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई नीति सिद्धांतों के आधार पर जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम सक्षम हैं। गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर मुकाबला करेगी। जब से खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल बाद अध्यक्ष बना है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बजट पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस नेताओं का खुला अधिवेशन है। खुले अधिवेशन में PCC मेंबर, AICC मेंबर, विधायकों, विधायक और सांसद का चुनाव हार चुके उम्मीदवारों के साथ पूर्व और मौजूदा जिला अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को बुलाया जाएगा। इसमें चुनिंदा नेताओं से सुझाव लिए जाएंगे। आज के अधिवेशन में चुनिंदा कांग्रेस नेता करीब 3 से 4 घंटे तक अपने सुझाव रखेंगे। इसके बाद अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होगा। इस प्रस्ताव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बजट में सुझाव होंगे। ये सुझाव एक तरह से प्रदेश कांग्रेस का डिमांड चार्टर होगा। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2022 में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से बजट पर खुले अधिवेशन में चर्चा कर सुझाव भेजने का सुझाव दिया था। इसके बाद से PCC की तरफ से बजट पर सुझाव भेजने का नया सिस्टम शुरू किया गया है। राहुल जी ने बहुत मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब थोड़ी कमी आ गई है, धीरे धीरे आई जाती है। राहुल जी ने बहुत मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब थोड़ी कमी आ गई है, धीरे धीरे आई जाती है। तो जनता जुड़ने का एक और अवसर हमें आज का जो मौका है, मुबारक मौका 28 दिसंबर का कांग्रेस स्थापना दिवस का, उसके उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लेंगे। आज हमारा बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन है, सब संकल्प लेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, सुख दुख के भागीदार बने और कांग्रेस झंडा बुलंद रहे देश के लिए, देश हित के लिए।